एयर की डेंसिटी देगा ही नहीं, क्यों? अरे एक पानी का ड्रॉप 1000 डेंसिटी है, एयर की 1 पॉइंट होती है, नेगलेक्ट कर दो। तो आपको ऐसा भी हो सकता है ये दिए ही ना, सिंपल आप मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। देखो एक बार एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आप लिखो, बच्चों थीटा से इसको बोलते हैं। आज वाले पोर्शन से एक सवाल जरूर बनेगा, इसको अच्छे से आपको सीखना है। फिर बड़ा सा पोर्शन बेटा, उसको डिवाइड करके पढ़ना आप, जैसे स्टैटिक के लास्ट में पॉइंट लिखवा रही है वही आप ढंग से पढ़ना, फिर क्वेश्चन लगाना, फिर जहाँ दिक्कत आई फिर दोबारा नोट्स पढ़ के लगाना, वरना पहले आप पॉइंट पॉइंट से लगा के देखना। डायनेमिक्स में बच्चों पहले वाला एक बर्नौली आपका इंपॉर्टेंट था, बर्नौली में आपको याद होगा बच्चों आपकी वेलोसिटी और इफ्लक्स जो आई थी, कितना आपका नीचे पानी उसे आपका टाइम आएगा, जितना ऊपर था बच्चों उससे वेलोसिटी आई थी ना, बीच में होल किया वो भी स्टैंड भी देखना साथ में, बीच में होल किया मैक्सिमम रेंज कितनी हाइट के बराबर है ना। देखो एक बार, इट इज एंगल बिटवीन, देखो बेटा वॉल ऑफ कंटेनर एंड सरफेस ऑफ लिक्विड बच्चों, ये ऐसा बेटा ये मैं ऐसे साइड में बनाना बच्चों, वॉल ऑफ कंटेनर एक्चुअली होता था ऐसे वर्टिकल में, ऐसे होता लेकिन मैं साइड में बना रहा हूँ, दूसरे वाला डायग्राम भी साथ में अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। ऐसी संभावना बन सकती है बच्चों, जैसे पानी का एक ड्रॉप है या पानी का इस टाइप का शेप है, तो आपको जब भी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देखना बच्चों, जो वॉल ऑफ कंटेनर इस लाइन को आप बना लेना, जो लिक्विड की सरफेस है बेटा वहाँ से आप टेंजेंट बना लेना, इनके बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा सी बोला जाता है बच्चों। एक टाइप की शेप इस टाइप से बन सकता है, एक संभावना आपकी ऐसी हो सकती थी बच्चों आपके पास सिंपल इस टाइप से ही लिक्विड होता और बच्चों ये आपका वॉल ऑफ कंटेनर, और एक ऑप्शन ये हो सकता था बच्चों आपके पास इस टाइप ही कोई आपके पास लिक्विड होता और ये आपकी वॉल ऑफ कंटेनर। तीन अलग अलग संभावनाएं सारी बता रहा हूँ बच्चों। जब आपकी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ 90 डिग्री भी बन सकता था थीटा सी और लेस देन 90 भी था बेटा, इस केस में जैसे मोर देन 90 भी है बच्चों। ये वाली जो आपका बनता बेटा, ये आपका बनता वाटर और ग्लास के साथ, ये ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बच्चों, वाटर ग्लास है, ग्लास वाटर आपका कॉम्बिनेशन है। ये जो बनता बच्चों ये ग्लास और प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर या बोल पाना देख पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं बेटा ग्लास का और आपका सिंपल वाटर का और सिल्वर का जो बनेगा चांदी वाला जो आपका कंटेनर है तो उसका 90 डिग्री बनता है। एक होता बच्चों आपका मरकरी और ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ आपका मोर देन 90 डिग्री होता है। तीन संभावनाएं हो सकती हैं, अभी शेप का नाम नहीं बता रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझाया, अब वॉल ऑफ कंटेनर पे एक लाइन बना दो बच्चों और वो आप साथ में क्या करोगे जो टेंजेंट आपने बनाई सरफेस के साथ। तीन अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, लेस देन 90 भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसी कंबिनेशन बता दें बच्चों, वाटर ग्लास यदि है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की रेंज होती है बच्चों, इन जनरली आपको याद नहीं करना है सही बस, ये बच्चों 18-38 डिग्री बड़ा कम सी वैल्यू है बच्चों। यहाँ आपका आपका बनी गया 90 डिग्री है, कितना बेटा 138, ये आपका 90 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना 138। सिल्वर ग्लास वाला याद करना, सीधा पूछा तो यही पूछेगा, प्योर वाटर वाला पूछा संभावना कम है। बनाओ बस बना बच्चों, आपने ऐसे एक डाटा बच्चों आपने कहा बस, बहुत ज़्यादा याद करने रिक्वायरमेंट नहीं, कभी अब जो क्वेश्चन सीधे सीधे आने लग गए थे, हो जाता कभी सीधा एंगल ही पूछ ले। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए आप कन्फ्यूजन है ना, वॉल ऑफ कंटेनर, इसका बच्चों में वर्टिकल डायरेक्शन जैसे कंटेनर रहता है इस फॉर्म में बना दूंगा, ये आपको अलग से बना के दिखा बस एक बार। देखो बच्चों, शेप ऑफ मिनस्कस, मिनस्कस बच्चों अपना सामने पानी या कोई भी चीज़ दिखती है तो उसकी कैसी शेप बनेगी, शेप ऑफ मिनस्कस बच्चों। दो टाइप की फोर्स आपको बताई थी मैंने, कोहेसिव और एडहेसिव, याद होगा उसका उपयोग करें। कोहेसिव क्या था बेटा, सेम टाइप के मटेरियल में जो थी कोहेसिव थी, एडहेसिव तो डिफरेंट में थी। शेप ऑफ मिनस्कस में आप देखो, इसके बेस पे बच्चों अलग तरीके से मैं बताता हूँ कैसे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका दिखाया जा सकता था बच्चों। संभावना हो सकती है बेटा आपकी कॉनकेव शेप आ जाए बेटा, एक हो सकती है बच्चों आपके पास सिंपल फ्लैट शेप आ जाए, एक हो सकती है बच्चों आपके पास कॉनवेक्स आ जाए, अलग अलग में आप अच्छे सुनना बच्चों। तो एक बात है इसमें, ये कंडीशन पूछी जा सकती है बच्चों, लेक्चर के ऊपर ही डबल स्टार पीएमटी आ गया आज वाला ना, जो आपका ये एक सवा घंटा लेक्चर बचा हुआ वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अलग अलग जगह मार्क कराने की बजाय जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की लाइन आएगी वहाँ कराऊंगा, न्यूमेरिकल सारे फिर इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा, एक कंटेनर सिंपल आपने जो है घर में रहता ऐसा गिलास हमने लिया और उसमें बच्चों हमने पानी भर दिया, बच्चों वाटर के लिए मैं बना रहा हूँ, वाटर के लिए बनाएंगे तो इस टाइप की शेप बन जाती है बच्चों। ऐसा सबसे पहले बच्चों मैं आपको फ्लैट से समझा रहा हूँ, फ्लैट आपका सिंपल ऐसी शेप है और आपसे पूछना चाहता बच्चों की कंडीशन आप बताओ सर कब फ्लैट बनती है। पहली बात ये देखो बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या, सर वॉल ऑफ कंटेनर तो ये रही, और बच्चों ये आपका क्या बेटा सरफेस ऑफ लिक्विड कितनी डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ये तो हम समझ गए। अब दोबारा देखो बच्चों, दोनों के यहाँ दोनों फोर्स में बनाता हूँ बेटा, एक आपकी एडहेसिव और एक आपकी कोहेसिव। एडहेसिव कोहेसिव कैसे, सर देखो इस पॉइंट में देखो आप यहाँ से यहाँ के बीच में देखो पूरा ही लिक्विड भरा पड़ा है, और ये भी मैं जान जाऊँगा कौन सा लिक्विड, अभी बताया बच्चों आपको मैंने
सिल्वर कंटेनर जब पानी डाला जाता 90 डिग्री बन जाएगा, या प्योर वाटर हो ग्लास में तब भी बन जाएगा। बच्चे यहाँ वाटर मोलिक्यूल एक कोने पे मैं इसे देखता हूँ कंपैरिजन करने के लिए, सर यहाँ भी वाटर मोलिक्यूल, यहाँ भी, हर जगह वाटर मोलिक्यूल, सर एक फोर्स मैं कैसे बनाऊँ? तो मैं आपको सीधा समझाता हूँ बच्चों, एक आपकी लाइन ये है बेटा, अरे एक लाइन ये, पूरा पानी भरा पड़ा है, सर मैं कैसे इनका हर बिंदु भी, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी, कहाँ बनाऊँ? तो बच्चों सबसे अच्छा तरीका भी कहाँ बनाना है, एंगल बाइसेक्टर पे, एक रिजल्टेंट बना देते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल की फोर्स बना पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक फोर्स यदि मैं दिखाना चाहता था बच्चों, यहाँ एक फोर्स बन जाएगी बेटा, दैट इज कोहेसिव फोर्स एफ सी। सही लिखा गया बच्चों मैंने, एक मैंने फोर्स कैसी बनाई बेटा, कोहेसिव, कैसी कैसी थी, इसलिए वाटर वाटर मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारी फोर्स थे आपस में, फिर भी मैंने एक दिखाना चाहता था, मैंने क्या किया, जितना पानी था उसके बीच में बना दिया। दोबारा देखो सर, यहाँ तो इतना पानी है, यहाँ तो ये पानी है, तो इसके बीच में आप बना दो। सही बनाया क्या सर? यहाँ तो आपका चलो बनाने भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी यहाँ आएगा, कहाँ बना रहे हो, इस पूरे पानी के बीच में, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन 90 दिख भी रहा है, लेस देन 90 में क्या केस आपका बन जाएगा, कॉनकेव शेप है, कहाँ बनते हैं बेटा, ग्लास और वाटर में। दोबारा देखते हैं सर, एक फोर्स आपने, दूसरी देखो एडहेसिव, आपकी एडहेसिव फोर्स, सर ये वाटर और ये ग्लास है, ये वाटर और ग्लास है, एडहेसिव फोर्स हमने बना दी ऐसे, आपके पास एफ ए एडहेसिव बना दी बेटा, एफ ए एडहेसिव, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, हमेशा ऐसे ही बनेगी एफ ए कोहेसिव का। मैंने क्या किया, इस वाटर मॉलिक्यूल का जितने भी मॉलिक्यूल से संभव था आपने वही सारा आपके डायरेक्शन बना दी थी। अब दोबारा देखो सर, यदि आपके पास सर इसको ब्रेक कर सकते हैं 90 या 45 क्या बन जाएगा बेटे, एफ सी, कोई भी 45 आप ले लो, चाहे बच्चों इसको 45 बोलूँ या कोस है तब भी वही बात है, साइन है तब भी वही बात है, क्योंकि आपके पास एंगल क्या बेटा 45 है। ये बन जाएगा बच्चों एफ सी डिवाइड बाई रूट टू, और ये भी क्या बन जाएगा बच्चों एफ सी डिवाइड बाई रूट टू। एक बात बोल सकता हूँ क्या बच्चों, एफ ए और एफ सी बाई रूट टू बराबर है, सर कैसे पता चला? अरे क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चों, जो भी आपकी सरफेस होती है लिक्विड की, वो ऐसी सरफेस बनेगी कि वहाँ नेट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। देखो बच्चों ये सरफेस ऐसी है तो फोर्स ने आपका परपेंडिकुलर है, फोर्स बचता है एफ सी डिवाइड बाई रूट टू, ये दोनों बराबर होंगे तभी पॉसिबल है। यदि एफ ए कम या ज़्यादा होता बेटा, मान लो एफ ए की वैल्यू 10 होती, इसकी वैल्यू 8 होती, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 8, तो बच्चों क्या ये रिजल्टेंट आ सकता था? नहीं सर, एफ ए की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ कुछ फोर्स बचती, यहाँ तो यहाँ कुछ फोर्स बनती, उसका 90 डिग्री बनता सरफेस का। सही है क्या? दोबारा देखो बच्चों, यहां मैंने क्या बोला सर, शेप देखो, सीधा सीधा बता रहा हूं करना, सर यहां क्या बोला सर, ये शेप है, ये शेप है क्या, तो इसकी यहां रिजल्टेंट बनेगा। सही बोला मैंने, रिजल्टेंट नेट फोर्स यहां बनेगी, सर नेट फोर्स यहां बनेगी तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सर? इसका ब्रेक कर सकते हो रूट टू की फॉर्म में? नहीं कर सकता क्या? इसको ब्रेक कर सकते? नहीं होता 45, इसलिए मैंने ब्रेक किया है। अब ये बोलना चाहता हूं बच्चों सर, रिजल्टेंट रेड वाला रिजल्टेंट है, रेड वाला रिजल्टेंट है, तो ये बताओ सर ये एफ ए और एफ सी बाई रूट टू बराबर हो सकता क्या? नहीं। यदि वो अच्छे सुंदर नहीं बराबर, यदि दोनों बराबर होते ना बच्चों तो कैंसिल हो जाते हैं अपने आप, यही बचता, अब ये नहीं बचा है। तो कैसी कहानी बची होगी सर, फोर्स आपकी बाहर की डायरेक्शन में गई, तो बाहर की डायरेक्शन में ऐसे भी मैं बता सकता था सर यहाँ एफ सी था और एफ ए, तो कंटेनर की लाइन पे आता, इन दो में जो ज्यादा उसी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, एफ ए ज्यादा हुआ इसलिए बाहर की तरफ शिफ्ट किया। फिर भी मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, मान लो बेटा ये फोर्स कब आ सकती है सर? जब आएगी जब नेट फोर्स यहाँ बचे और यहाँ बचे, तभी तो रिजल्टेंट बाहर आएगा। तो एफ ए की वैल्यू मान लो 10, इसकी वैल्यू मान लो 8, तो नेट फोर्स कहां गई बच्चों? बाहर की डायरेक्शन, तभी तो आपका इसका और इसका रिजल्टेंट यहां कहीं बना, कंटेनर पे नहीं आ पाया है। सीधी कंडीशन लिखो इसका, मतलब ये होता बेटा एफ ए की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू। सही बोला क्या? क्या बराबर हो सकता? नहीं सर, बराबर होता कैंसिल ही हो जाता, सिर्फ बीच में आता और सरफेस आपकी ऐसी बनती, सरफेस ऐसी नहीं बनी, इस टाइप से बनी, इसका मतलब क्या है सर? ये वाली फोर्स ज्यादा तभी ऐसा बना होगा। दोबारा देखो बच्चों, एक कंटेनर मैंने और बना दिया और ये इस टाइप से बना, कॉन्वेक्स शेप है बच्चों। कब बनेगी ऐसी वाली शेप सर? ऐसे तो मैं देख के नहीं बताऊंगा, लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देखो बच्चों सर, ये वॉल ऑफ कंटेनर, ये आपका ऐसा, क्या एंगल ऑफ आपका कॉन्टेक्ट है बेटा? मोर देन 90 सर। मोर देन 90 मतलब कब बना था? जब आपका मरकरी होता था, कहाँ पे? वाटर, आपका सिंपल ग्लास में मरकरी है। फिर वही कहानी बच्चों, इस पूरे लिक्विड के बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा? एफ सी बनेगा। ऐसे तो मैंने बोला था कि रिजल्टेंट आप एफ सी बना दो भाई। अब मैंने क्या किया सर, आप ये बताओ, अब रिजल्टेंट ये आपके पास क्या था? वही आपका एफ ए। सर एफ सी जब यहाँ था, बीच में था, तो आपका नेट फोर्स यहाँ बनी, ठीक है, आपकी सरफेस प्लेट थी। जब आपका एफ सी थोड़ा दीवार के पास आ गया, तो नेट रिजल्टेंट बाहर निकल गया, ऐसे बोल सकता हूँ इसके परपेंडिकुलर बनेगा। दोबारा देखो बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आएगा नेट फोर्स यहाँ आएगी। सही है क्या? अब मैं ऐसे ही बता सकता हूँ बच्चों, नेट फोर्स किसकी तरफ ज्यादा बेटा? एफ सी की तरफ। सर ये रिजल्टेंट कब बन सकता था? ये सिर्फ तब बन सकता था, यहाँ तो क्या रहता है एफ सी बाई रूट टू, ठीक है सर, एफ ए ज्यादा हो कि एफ सी बाई रूट टू, कोई ज्यादा हुआ तभी तो यहाँ सर ये आपका बचा है, तो इसका मतलब यहाँ, तो ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों मैं सर, एफ ए की वैल्यू कम है और एफ सी बाई रूट टू की वैल्यू ज्यादा। बात समझ में आई क्या?
शेप ऑफ मेनिस्कस तीन टाइप की पॉसिबल थी, फ्लैट है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री है और एडहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू कोहेसिव डिवाइड बाय रूट 2 है बच्चों। यदि ऐसी शेप बनी सर मैं कैसे याद रखूँ, मैं भूल जाऊँगा, मैं बच्चा हूँ, इतनी कहानी मैं याद नहीं करूँगा। तो मैं आपको एक ही कहानी याद करवाई थी, जो सरफेस होती है नेट फोर्स के परपेंडिकुलर बनेगी। सर ये सरफेस है तो नेट फोर्स कोने पे बना के यहाँ देखा, सर ये बाहर देख, कैसे याद करूँगा मैं, सर ये एफ होता मैं जानता हूँ, ये भी एफ सी भी जानता हूँ, सर मैं ये भूल जाऊँ कौन ज़्यादा कौन कम आपने लिखा था। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ये देखो ऐसी नेट फोर्स है, किसकी पास गई एफ ए, तो एफ ए ज़्यादा है बच्चा। यहाँ देखो बेटा, सर ये परपेंडिकुलर यहाँ बना एफ सी और एफ एम, किसके पास एफ सी, एफ सी आपका आपका ज़्यादा हो जाएगा, एफ सी बाई रूट टू, सही है क्या बच्चे? ये आपको मैं एग्जाम्पल लिखवा चुका था, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों आपका क्या बन जाएगा, लेस देन 90 बन जाएगा बेटा। ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों 90 डिग्री है बेटा, और ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका मोर देन 90 डिग्री, सही है क्या बच्चा? इस टाइप के लिक्विड को बोला जाता है बेटा वेटिंग लिक्विड, जो गीला करते हैं सरफेस को, इसलिए पानी का गिलास जब भी देखेंगे वेट आपको दिखाई देगा। ये बच्चा कुछ नहीं करता, लेकिन ये आपका नॉन वेटिंग है, इसके बारे में ऐसा कोई नहीं लिखा होता वेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। मोर देन 90 में नॉन वेटिंग है बच्चा। आप लोगों ने मरकरी शायद देखा होगा, नहीं तो आपने स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट किया देखा होगा, भारी बहुत होता है और एक एक ड्रॉप उसके अलग अलग घूमती है, थोड़ा मरकरी डालो उसको ऐसे कर दो अपने आप घूमने लग जाता हो, सही है क्या? वहाँ कोई वेट नहीं होता पोर्शन, कारण क्या था? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मोर देन 90 डिग्री है सर, ये मैं लिटरली समझूँ तो सर आपने ऐसा डायग्राम बना था ऐसा, अरे कॉन्टेक्ट में मामूली सी जगह तो बिखरने का टाइम ही नहीं मिलता, सही है क्या? बना देखो साहब, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों में। अरे यहाँ जब मैं बच्चा था मुझे दिक्कत ये लगती थी, बच्चा ऐसे याद करता था एडहेसिव ज़्यादा कोहेसिव, ज़्यादा कम की बात है रूट टू के साथ कंपैरिजन है ना, एफ ए मोर देन एफ सी ऐसा नहीं बोला मैंने, एफ ए का और एफ सी बाई रूट टू का कंपैरिजन है। चलो एक नोट दिखा देता हूँ इस चीज़ के, आपको और थोड़ा आसान हो जाएगा, सरफेस टेंशन से आपको इसे रिलेट कर देंगे, नोट बना के कर देंगे, बना बच्चा नीचे आप नोट लिख लो बेटा। सरफेस टेंशन के ऊपर आप इफेक्ट जानते हो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता था सर, कोहेसिव कम हो जाएगी, टेंशन से अब ना पढ़ा हो कुछ है ना, आपको समझा था, इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट भी आता है, इम्प्योरिटीज प्योरली आपकी पूरी सोल्यूबल है तो बच्चों अलग था टेंशन बढ़ता था, और बच्चों की पार्शियली सोल्यूबल है डिटर्जेंट आपकी चीज़ है उसका वहाँ पर आपका सरफेस टेंशन करता था बच्चों। उसको मैं टेंशन से रिलेट कर देता हूँ, आप यदि कोई मुझे पूछे ना बच्चों थीटा कम होगा ज़्यादा होगा कैसे बना, उसको नोट की फॉर्म में एक बार रिलेट कर देते हैं, किसके साथ? टेंशन के साथ। देखो एक बार नोट लिखो आप बच्चों, ऐसा लिखो नोट, कोस थीटा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, कोस थीटा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। चलो आपसे पूछ के देखता हूँ एक बार बच्चों, कोई भी लिक्विड है, मतलब पहले आपका वाटर वाला ही केस में लेता हूँ, जब आपका लेस देन 90 कुछ भी है, वही वाला केस ही मैं बोलता बच्चों कि पहले वाटर जो आपका कंटेनर में वो 30 डिग्री पे है एग्जाम्पल, बाद में बच्चों वहाँ आपने क्या किया बेटा, पहले 30 पे था बाद में आपने 50 डिग्री कर दिया, सर इसके एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेंज लिखा 18 से 38 है ना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे सोचते सर? टेम्परेचर आपने बढ़ा, ये सरफेस टेंशन है बेटा, टेम्परेचर नहीं सरफेस टेंशन है ना। यदि बच्चों आपने बोल दिया कि सर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? कम। सरफेस टेंशन कम होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। कोस थीटा ज़्यादा होगा तो थीटा क्या होगा बच्चों? कोस थीटा ज़्यादा होगा, कोस थीटा का ग्राफ आप जानते हो कि मेरे ख्याल से ऐसा ग्राफ बनता, सही है क्या? अरे यदि कोस थीटा, ये आपका क्या था बच्चों? ये आपका कोस थीटा की वैल्यू थी, यहाँ क्या था बच्चों? थीटा था। कोस थीटा की वैल्यू आपने क्या बोला बच्चों? इंक्रीज किया। सर यहाँ से इस डायरेक्शन में चले गए, कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया, थीटा क्या हुआ? डिक्रीज, सही है क्या? दोबारा पूछ के देखता हूँ बच्चों। सर वो क्या आपने वाटर के लिए सिर्फ बताया था क्या, जो मैं आपको टेंशन के ऊपर इफेक्ट बताया था क्या वाटर के लिए बताया? नहीं, हमने ऐसा कुछ बात नहीं किया, हमने सरफेस टेंशन की बात किया था, कोई भी बता दिया हमने बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया। मरकरी एक ग्लास कंटेनर में फिल्ड है, उसका जब आपका पहले जो कॉन्टेक्ट एंगल है 138 है, आपने उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड किया तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? मोर देन 138, लेस देन 130, ऐसा सवाल बनता बढ़िया। तो मैं ऐसे सोचता सर आपने क्या किया है? डिटर्जेंट किया। डिटर्जेंट क्या बच्चों? पार्शियली सोल्यूबल है, उसके कारण सरफेस टेंशन क्या होती थी? कम। सर सरफेस टेंशन कम होती, कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज, कोस थीटा इंक्रीज तो थीटा क्या होगा? डिक्रीज, सही है क्या? एक उसको नीचे एक लाइन में लिखते हैं बेटा। अरे कोई भी चीज वहां से रिलेट कर सकता फिर वो आपको, है ना? देखो बच्चों एग्जांपल का क्वेश्चन बना लो, मरकरी इज फिल्ड इन ए ग्लास कंटेनर एट, चलो ऐसे मरकरी इज फिल्ड इन ए ग्लास कंटेनर एंड इट्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, थीटा सी लिख लेना आप, एंड इट्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 138 डिग्री, एंड इट्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 138 डिग्री। इफ
बच्चों मैं जानबूझकर डिटर्जेंट बोल रहा हूँ, डिटर्जेंट मरकरी में ऐड करना बहुत मुश्किल चीज़ है, फिर भी सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ भाई पार्शियली सोल्यूबल आपकी कोई चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ। और पानी में पूछता सवाल, मैं जानबूझ के मरकरी बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखो बेटा, डिटर्जेंट इज एडिड इन मरकरी, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ऑप्शन ऐसा आएगा बेटा कि 138 रहेगा, ये बच्चों लेस देन 138 रहेगा, समझे क्या बच्चों? ये वो सवाल होता है बेटा जिसको आप ये तो जान जाते हो सर, देखो ऐसा बेवकूफ तो पूछने वाला है नहीं, पहले 138 बोल रहा, कुछ आपने चेंज भी किया तो पता नहीं सर मोर होगा, पता नहीं लेस, कुछ तो अलग होगा, 138 नहीं होगा, इधर तो आप जानते हो। फिर हम ऐसे सोचते बच्चों सर ये तो नहीं है, ये तो आप जान जाओ, फिर तुक्का मारना पड़ता है सर, कोई एक मार लो, ऐसा नहीं है। फिर हमने क्या बोला, आपने बोला सर डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट क्या करता बच्चों, इसको ऐड किया आपने, डिटर्जेंट को ऐड किया, इसका मतलब क्या हो जाता बच्चों, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। सही है, सरफेस टेंशन का मतलब कोस थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा। कोस थीटा सी की वैल्यू ज्यादा, थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, कम। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अरे बात समझा क्या, मामूली चीज है लेकिन हमसे सवाल नहीं बन पाएगा, हम ऐसे कंफ्यूज है, पता नहीं लेस है पता नहीं मोर है, इक्वल तो नहीं होगा, ये आप जान जाओगे। तो बच्चों आपको जितने भी वहाँ इफेक्ट थे टेम्परेचर के साथ था चाहे इसके साथ था, वो आपसे पूछा जा सकता है। और जो दो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहला मैं करा रहा हूँ मतलब कैपिलरी है, कैपिलरिटी है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, एक आगे मतलब टर्मिनल वेलोसिटी लास्ट में, उन दो के ऊपर विशेष ध्यान, वरना पूरा टॉपिक ही आपका इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी बच्चों आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ है बहुत सारी जगह, कहीं भी आप देखो बच्चों ऐसा कोई पतला सा डायमीटर है, यदि पतला डायमीटर कितना बोला जाए सर बच्चों, 1 सेंटीमीटर लेना भी मोर देन एनफ है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा में कैपिलरिटी देख पाना मुश्किल होता है, कैसे संभव नहीं होता है, अरे होने को हो जाएगा फिर भी, यदि राउंड अबाउट में आइडिया तो 1 सेंटीमीटर बहुत है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लिखा जाता है गलत आंसर आता है, एक बात तो यही आ गई। कैपिलरिटी की सबसे सबसे प्रैक्टिकल सबसे पुराना एग्जांपल बच्चों पेड़ है, पेड़ों की जड़ से पानी कैसे जाएगा सर, उसमें आप जानते होंगे बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादा अच्छे जानते हैं सर, इसमें आपको ऊपर धीरे धीरे पानी उसी ज़्यादा कैपिलरिटी से जाएगा, सही है क्या? बहुत सारा एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं। ये जानते हैं बच्चों सर, जब आप एक नैरो पाइप को, बच्चे जानते हैं पाइप बोल रहा हूँ मैं, नैरो ट्यूब को जब किसी लिक्विड में आप इंसर्ट करते हो तो उसके कारण कैपिलरिटी के कारण वो आपका पानी जो है ऊपर या नीचे जा सकता है सर। यदि मरकरी होगा तो नीचे जाएगा बच्चों, और यदि वाटर होगा तो आपका ऊपर जाएगा, जहाँ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 होगा तो ऊपर जाएगा बच्चों, जब आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मोर देन 90 होगा तो नीचे जाएगा, उसको कैपिलरी राइज नहीं बोले, कैपिलरी डिप्रेशन बोलते, फॉर्मूला एक ही, सही है क्या? एक बात तो यही आ गई है। देखो कैपिलरी में एक लाइन लिखे थे पहले, फिर समझाता हूँ अच्छे से। व्हेन ए नैरो ट्यूब इज प्लेस्ड सच दैट इट्स वन एंड, व्हेन ए नैरो ट्यूब is placed such that its one end is dipped in a liquid level of liquid will rise or fall in that tube, bachcho rise or fall ko underline karo beta, level of liquid will rise or fall in that tube, this property of liquid is known as capillarity, this property of liquid is known as capillarity, and this action is known as capillary, वो जो पानी ऊपर गया capillary है, इस किसके कारण का जो property liquid को capillarity बोलते हैं बेटा, this action is known as capillary। बच्चों एक बार यहां देखो, ऐसा कैसे division कर दो, ऐसा कैसे division कर दो, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन 90 से वाटर में होता बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों कैपिलरी राइज होगा, हाइट आपकी इंक्रीज होगी। बच्चों यदि आपके पास एंगल थीटा सी इज मोर देन 90 से मरकरी में रहता बच्चों, वहाँ कैपिलरी डिप्रेशन होगा या बच्चों फॉल होगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो सिर्फ राइज नहीं होता बच्चों, नीचे भी जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में डिपेंड करता है, हमने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा है। और वेरी इंपॉर्टेंट रूप से मैं आपको यह बढ़िया चीज़ लिखवाता हूँ नीचे नोट की फॉर्म में, उसको पे थोड़ी देर में आपको सवाल से पूछूंगा, आप ध्यान रखना। कैपिलराइज होता कैसे होगा बच्चों, ये चीज क्या है, पहले आपको नॉर्मल ऐसे समझा रहा हूँ उसको, फिर मैं अच्छे डायरेक्शन भी कर दूंगा। बच्चों जब किसी ट्यूब को अपने ऐसे पानी में डुबाया होगा ना, ऐसे आपने पानी में डुबा दिया थोड़ा सा ऐसा ऐसा, और ये पानी ऊपर चला गया समथिंग, ऐसे मान रहा हूं मैं, पर पानी कैसे सोचता है, कैपिलराइज कैसे हुआ समझो अच्छे से।
उसके बारे में सवाल पूछूंगा अभी के अभी, थ्योरेटिकल आपको साथ में नोट में लिखवाऊंगा, अच्छे सुनना बच्चों। कैपिलरी हुआ क्या, बच्चों कैपिलरिटी की दो कंडीशन होती हैं, एक सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बोला तो बच्चों कोहेसिव फोर्स आ सकता है, ऑप्शन में सरफेस टेंशन नहीं है तो अपने कोहेसिव फोर्स को टिक करना पड़ेगा, एक बात तो यही आ गई है। सर कोहेसिव फोर्स का सर, जो आपस में वाटर वाटर मॉलिक्यूल की जो फोर्स थी उसके कारण सरफेस टेंशन आया था, उसके कारण साइड ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाती है उसके कारण ऊपर। देखो बच्चों और आगे सुनो, मोर इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों, सिर्फ कोहेसिव कारण ऊपर नहीं जाता, ठीक है कोहेसिव टेंशन आएगा, टी से ऊपर आए, कुछ बल आया, कुछ आपके पास कंपोनेंट आएगा, फोर्स का ऊपर जा रहा होगा, लेकिन बच्चों मेन कारण कुछ और है इसका साथ में बच्चों, जो इस मॉलिक्यूल का और इस ग्लास के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है। देखो मॉलिक्यूल ऐसे खड़ा आराम से, ये ग्लास के साथ में है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, ऊपर देखा ग्लास का एक मॉलिक्यूल और है, तो इनके बीच में एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाग के इसकी तरफ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर, समझे, यहाँ वाले मॉलिक्यूल थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे। तो मेन कारण जो होगा बच्चों सरफेस टेंशन प्लस एडहेसिव फोर्स भी है, इसका मेन कारण सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन नहीं है, गलत है, एडहेसिव फोर्स भी। सर मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मतलब ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, मैं कोई फॉर्मूला नहीं जानता कुछ, बस ऐसे बता रहा बच्चों, मेरे पास एक ट्यूब है उसको पानी में डुबाता हूँ तो पानी का लेवल 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, एग्जाम्पल। तो मुझसे पूछा कि एक काम करो 10 सेंटीमीटर इस ट्यूब को काट दो, पाँच छोटी सी ट्यूब बना दो 5 सेंटीमीटर, ट्यूब तो वही है, लिक्विड भी वही है, सरफेस टेंशन भी वही है और एडहेसिव फोर्स भी वही है, मैंने उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए था, उस ट्यूब को मैंने 5 सेंटीमीटर काट, छोटी ट्यूब बच गई 5 की, पानी में डुबाओ। तो मुझसे सवाल पूछा, जब आपने पानी में डुबाया तो इसका जो पानी का राइज होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जाना कहाँ तक चाहिए था पानी बेटा 10 सेंटीमीटर, ट्यूब कितनी आ गया 5, तो मुझसे ऐसे पूछा मास्टर ने, क्या संभावना तुझे नजर आती है, क्या ऐसा हो सकता है पानी चढ़ेगा और फवारे की तरह से ऊपर आराम से जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है फवारे की तरह जाए, एक बात, क्या ऐसा हो सकता है सर ये जाए और धीरे धीरे ऐसे साइड में गिरने लग जाए पानी, जैसे नॉर्मल अपने पाइप में ऐसे उल्टा कर देना पाइप को, धीरे धीरे स्लो स्पीड साइड में गिरता, ये हो सकता है, या फवारे की तरह जाएगा जहां है वहीं रह जाएगा, 5 से ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। तो तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताओ क्या पानी बेटा उस पाइप से ऊपर, मतलब ऐसे पाइप पकड़ लो मोटे वाली सिंपल गाड़ी धोने वाली, और ऐसे करो, एक संभावना क्या थी, तेज स्पीड तो ऊपर की आ जाए गिरेगा, एक हल्की स्पीड में धीरे धीरे गिरता, एक वहीं रुक जाता बाहर ही ना जाए, तो कौन सी संभावना को ज्यादा करेक्ट लगती है, ऊपर जा सकता है क्या, मतलब क्या फवारा बन सकता है क्या, क्या धीरे धीरे गिर सकता है क्या, नहीं। मैंने क्या बताया, कैपिलरी का मेन कारण क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे देखता ऊपर ट्यूब है, इसका मॉलिक्यूल इसके यहां तक चला जाता हूं, ये मॉलिक्यूल यहां तक चला, कैसे बढ़ाओ, एडहेसिव फोर्स के कारण, और जब ऊपर पाइप ही नहीं है, एडहेसिव फोर्स नहीं, क्या ऊपर जा पाएगा, नहीं। बेसक से उस ट्यूब में पानी 10 सेंटीमीटर जाना चाहिए था, लेकिन यदि ऊपर ट्यूब नहीं है तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, 5 सेंटीमीटर जाएगा और रुक जाएगा, बात समझ में आ गया बच्चों। दो एक लाइन लिखवाता हूं, उसमें लिखो बच्चों, नोट नंबर 1 लिखो इसका, यह अपने बना बच्चों, डिप्रेशन भी होगा राइज भी होगा, इसमें नीचे लिखो बेटा रीजन फॉर सर्फ, रीजन फॉर कैपिलरी राइज, कैप राइज लिख लो, मेरी तरह स्पेलिंग मुझे नहीं आती है ना, रीजन फॉर कैपिलरी राइज इज सरफेस टेंशन, ब्रैकेट में लिखो बेटा कोहेसिव फोर्स, ये ऑप्शन में नहीं है तो कोहेसिव फोर्स पे टिक करना है, रीजन फॉर कैपिलरी राइज इज सरफेस टेंशन, ब्रैकेट में कोहेसिव फोर्स, ब्रैकेट बंद है, एंड एडहेसिव फोर्सेज, एडहेसिव फोर्स का अच्छे सेंटर लिख लो, एंड एडहेसिव फोर्सेज, अच्छा नोट के ऊपर डबल स्टार बनाओ, अगले नोट के ऊपर बच्चों मैं ऐसी लाइन लिखवाऊं बेटा, अनसफिशियंट लाइन था ना, एक लाइन लिखवाऊंगा, इफ ट्यूब इज देयर फॉर ऑफ अनसफिशियंट लाइफ तो वाटर विल नॉट राइज मोर देन ट्यूब, है ना, ऐसे लिखवाऊंगा, अनसफिशियंट लाइन में समझा दिया, जो 10 सेंटीमीटर जाना चाहिए था वहां सिर्फ 5 सेंटीमीटर ट्यूब आपने लिया है, तो पानी बेटा ट्यूब से बाहर नहीं आएगा, वही जो लेंथ है उस तक जाएगा, रुक जाएगा, क्यों, कारण क्या, एडहेसिव फोर्स वाला टेंशन वहां भी है, एडहेसिव फोर्स यहां भी, लेकिन ऊपर का वाटर मॉलिक्यूल कहां जाए, अट्रैक्ट होने की कोई जगह नहीं बची, नहीं जाएगा। देखो एक बार, इफ एट डबल स्टार देखो बेटा, If a tube of unsufficient, insufficient length is given, if a tube of insufficient length is given, अब ब्रैकेट में लिख लो, मास्टर ने समझाया 5 सेंटीमीटर ना, इसे लिख लो 5 सेंटीमीटर, अब याद रहेगा, If a tube of insufficient length is given, water level in that tube, water level in that tube will be up to end of tube only, up to end of tube only, that means water will not come out of tube, simple बात,
दैट मीन्स वाटर विल नॉट कम आउट ऑफ द ट्यूब। दोबारा आप देखो बच्चों, आप अपने एक बार सिखा भी देता हूँ आप कैसे बनेगा। बेटा ये आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ इन्होंने ट्यूब प्लेस किया बच्चों। ये आपने, मैंने वाटर वाली कहानी में लेता हूँ बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 था तो राइज करेगा। सर कितना राइज करेगा? यहाँ तक मान लो बेटा, यहाँ तक चला गया, लास्ट में ऐसा बन गया, यहाँ तक चला गया आपका, लास्ट में ऐसा सरफेस बने क्योंकि वाटर ऐसा ही बनेगा। आगे देखते कितना राइज किया बच्चों। मैं तो एक मोटी मोटी कहानी जानता हूँ सर, कैपिलरी में कुछ भी पूछता रहे, कुछ भी पूछता रहे, सवाल बनता है इसके ऊपर, कैपिलरी में कुछ भी पूछता रहे सर, मैं देख जानता हूँ सर, फोर्स बैलेंस कर देगा आंसर आएगा। सर ऐसा पहले कभी आपने किया था? जब आपने एक्सेस प्रेशर निकाला ना, वहां मैंने क्या किया था, एक सरफेस टेंशन की फोर्स और एक बच्चों प्रेशर वाली फोर्स इक्वल किया था आंसर आकर। सेम कहानी यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या बना दिया बेटा, ऐसे मैंने बना दिया टेंशन है, और बेटा यहाँ क्या था, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा सी, तो यहाँ भी क्या था, थीटा हो जाएगा। टी का कंपोनेंट ब्रेक करना बेटा, टी, अच्छे सुना, टी कोस थीटा। आप ढंग से फिर सुनो बच्चा, मैं से बोलता हूँ टेंशन के कारण कितनी फोर्स होगी, बच्चा पता क्या बोलता है, सर यहाँ भी तो टी कोस थीटा लिख दो। अच्छे सुनना, यदि आपको याद है तो हमने क्या करते थे सर, टेंशन गुणा में लेंथ करो, यदि टेंशन ऐसे टी इंटू लेंथ करो तब फोर्स बनेगी। तो बच्चा ऐसे बोलने लग जाता सर, टी ए, टी ए, टू टी कोस थीटा कर दो, गुणा में टू पाई आर कर दो, ऐसा लगता बच्चे को, ऐसा नहीं है। दोबारा सुनो बच्चे, एक एक टी यहाँ है बेटा और एक टी यहाँ है, तो दो टी यदि आप लेते हो फिर बच्चा आपको लेंथ लेनी पड़ेगी पाई आर, और पाई आर तब भी आपको कोई दिक्कत, क्योंकि फिर लेंथ कितनी बच गई बच्चों, दो टेंशन ले रहा, एक्चुअली ये दो है क्या ना, टेंशन एक ही है, वो कंपोनेंट मुझे वैसे दो दिखाई दे रहा है, टी आपके पास टेंशन टी कोस थीटा, और कितनी लेंथ है बच्चों आपके पास, टू पाई आर, सही है क्या, वैसे ही दो कंपोनेंट आपको दिखाई दिया, तो लिखता हूँ बच्चों मैं, टी कोस थीटा इंटू लेंथ कितना, टू पाई आर, आर क्या बच्चों, ये रेडियस है बेटा, रेडियस ऑफ ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब, सही है क्या, दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर, सर एक तो टेंशन के कारण ये ऊपर गया होगा, सर कहीं जाके रुका तो कब रुका होगा, जाओ बच्चों इस वाले फील्ड वाले लिक्विड का जो वेट है वो बैलेंस हो गया होगा। लिखता हूं बच्चों, वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में जो वेट उसको बैलेंस किया, टेंशन वाली फोर्स को वेट से बैलेंस कर दो बच्चों, अपने आप आंसर आएगा, देखो कैसा आ जाएगा। सर ये आपके पास टी कोस थीटा है, टू पाई आर, वेट कितना होगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लोगे बच्चों, सर कैपिलरी ट्यूब का एरिया ये रहा और एच ले लो आप, याद है क्या आपको, मैंने समझा था सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे आती है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ऐसे बना हुआ है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, लेंथ क्या इसकी, एच लिया मैंने हाइट, दैट्स इंटू आपका जी, एम जी के कारण जी ले लिया बच्चों, कैंसिल करो सर, पाई आर और पाई आर कैंसिल बच्चों, आप देखो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, एच का आपका टू टी कोस थीटा डिवाइड बाई रो आर जी, सही लिखा क्या बच्चों, कई बार थीटा को यहां भी क्या लेता बेटा, जीरो डिग्री ले लेता, थीटा जीरो कब ले सकते हैं, 90 डिग्री एक्चुअली, तो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका क्या होता, तो थीटा आप यहाँ जीरो लगे तो आपका टी टू टी डिवाइड बाई रो आर जी भी हो सकता है। यहां याद ये करना है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सर जितनी पतली ट्यूब आप लोगे इतना ही ऊपर चढ़ेगा, लेकिन फिर भी कितना ऊपर जाएगा सर, टेंशन वाली फोर्स को वेट से बैलेंस करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा, सही है क्या, बना देखो एक बार, मैं सवाल कराऊंगा साथ में बच्चों, आपका बढ़िया टाइम रहा ना, वो ट्यूब कटिंग वाला सवाल पूछा जाना चाहिए, इसका उल्टा रट्टा मत बिठा देना, है ना, इसका आपको उल्टा रट्टा नहीं मारना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, यदि आपकी थिक आपकी यदि डायमीटर कम है तो हाइट ज़्यादा है, ये नहीं बता रहा मैं, डबल ट्रिपल आ गया नहीं बोल रहा हूँ, है ना, और चीज़ों पर डिपेंड कर रहा हूँ, टेंशन पे भी, थीटा के ऊपर भी है, डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है ना, ये सब कॉन्स्टेंट मान के मैंने ऐसा बोला है, हो सकता है अगला फ्लूड चेंज करते, डेंसिटी दो दे रखी है रो, हर बाद में टू रो आपने ली, फिर क्या कर लेंगे, तो इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं रखता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सारी चीज़ें यदि कॉन्स्टेंट है और डायमीटर आप कम लोगे तो हाइट विल इंक्रीज, चलो लिख लो, If radius of tube is less, liquid will rise up to more height. बच्चों आपको बार बार ये universal सवाल पूछता है अलग अलग, कि एक बार आपकी रेडियस r थी, फिर आपने रेडियस 2r ले ली, हाइट आप बताओ, अब सिंपल h by 2 के चक्कर में मत पड़ना, आप देख लेना डेंसिटी सेम बोल रहा था, बट एक कब कंडीशन बनी होगी, मैंने टेंशन को सेम लिया, थीटा को सेम लिया, g को तो चलो ठीक है सेम है, रो को भी सेम लिया, कई बार अलग कर देता कि डेंसिटी डबल है, आप कैसा बोल देगा बच्चों की डेंसिटी आपकी फ्लूड की जो है पहले जो रो थी बाद में डबल है, डबल डेंसिटी है, फिर आप बताओ कितना राइज करेगा, देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, कहीं इसका गलत यूज मत कर देना आप, देखो एक बार, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विल राइज अप टू हाइट एच, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विल राइज अप टू हाइट एच इन ए कैपिलरी ट्यूब, सीधा सी ट्यूब लिख ले बेटा ना, इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, इफ इफ
another liquid B having density 2 rho is placed in a capillary tube of radius 2R. Find out height of liquid B in that capillary. Find out height of liquid B in that capillary. बच्चों H dash. बच्चों ऑप्शन ऐसे देगा आपको, देखो ऐसा ऐसा दे देगा H by 2H. ऑप्शन देगा बेटा H by 4 और 4. ऐसे ऐसे सवाल देता है. तो आपको बच्चों सीधा रट्टा नहीं मारना बेटा, H और R inverse है. कंडीशन चेंज किया उसने ना, इधर रो भी चेंज किया है. रो भी सेम होता फिर मैं सीधा बोल देता हूँ, ज्यूरीज लॉ उसको बोलता, बस सीधा याद है फिर H और R inverse है. तो यहाँ मुझे कंडीशन देखना पड़ता. सर टेंशन की कुछ बात किया उसने, नहीं किया तो मैं सेम लेना पड़ेगा. कुछ टेंशन की कोई बात किया नहीं किया तो हम सीधा लेते हैं. देखो फॉर्मूला क्या बना था बच्चों हाइट का, सर 2t cos थीटा डिवाइड बाई रो आर जी. सर उसने टेंशन की कोई बात किया, थीटा की कोई बात किया, साहब हम नहीं जानते, नहीं हम कुछ पता है. तो इसको हटा दो, इसको आपने हटा दिया था बच्चों क्या बन जाएगा जी बी. तो एच इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रो इंटू आर. बस एच डैश बाद वाला बेटा, एच पहले वाला. इनवर्स था बच्चों रो डिवाइड बाई रो डोस आपका आर डिवाइड बाई आर डैश. रो की वैल्यू पहले रो थी, बाद में डेंसिटी टू रो, और आपका रेडियस आर था बच्चों बाद में 2R, और ये एच डैश और बच्चों ये एच. तो आपका सोल्व करें क्या आ जाएगा, एच डिवाइड बाई 4. सही है क्या बच्चों, आपको रट्टा नहीं मारना बेटा. एच बाई 2 कब होता, तो सेम फ्लूड होता आपका आंसर आ जाता है. ज्यूरी जिला बच्चों यहाँ तक जितने भी अपने फ्लूड पढ़े बेटा, पहले रेस्ट वाला पढ़ लिया, फिर मोशन वाला, लेकिन मैंने कहीं विस्कोसिटी नहीं ली. स्टडी लिया, स्टडी हमें तो आपको बता दिया था आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि डी वी बाई डी टी कांस्टेंट था. याद है क्या, सारे फ्लूड बेटा हमने इनकम्प्रेसिबल पढ़े, फिर भी आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रट्टा जब मारा था ना, मैंने बोला था आप A1 V1 की बजाय रो 1 A1 V1 ऐसे याद करना. क्यों वो तो सवाल बन सकता कि एक बार 20 डिग्री टेम्परेचर था, गामा की वैल्यू दिया, बाद में 40 है, तो आपका रो चेंज हो जाएगा. रो कैसे याद करवा था बच्चों, थर्मल में मैंने सेम एज दैट वॉल्यूम साइन आपका माइनस आ जाएगा. सही है क्या, सवाल वहां बन सकता है. एक कल इंपॉर्टेंट आता आइसोथर्मल मेरी है, तो आपकी रेडियस क्या आई थी बच्चों, अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू. वो भी सवाल पूछने की संभावना अच्छी है बच्चों. जब फ्लूड विस्कस हो जाएगा उसकी मैं बात करता हूँ. यहाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन बनता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी का बनेगा, उससे पहले छोटे छोटे एक दो नियम आपको समझा रहा हूँ. देखो बच्चों ये अब विस्कस फ्लूड वाला पोर्शन शुरू करा बेटा, विस्कोसिटी विस्कोसिटी उसी का एक पोर्शन है फ्लूड का ही, विस्कोसिटी. अब फ्लूड आपका विस्कस हो जाएगा. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड. बच्चों अब फ्लूड बोल रहा हूं, लिक्विड नहीं बोल रहा ना, गैस भी आ गई. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड विच अपोजिज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूड. रिलेटिव मोशन कंट्रोल नहीं करो बेटा. Which opposes relative motion between layers of fluid. It is same as that of friction. सही है क्या? ये liquid friction. अच्छे सुना बेटा, यहीं की हुई है कि important कहानी आपको सुना देता हूँ. बच्चों आपको चीज़ें रेट करके पढ़ा रहा हूँ बच्चों मैं. आपको याद है बेटा सेमी कंडक्टर जब पढ़ते थे, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टर पे इफेक्ट, एक और सेमी कंडक्टर पे उल्टा. क्यों होता था उल्टा? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, इसका उल्टा इफेक्ट आ जाता है उसको, वही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर बढ़ने का वही फायदा मिल जाता था. दोबारा देखो, विस्कोसिटी जब आप पढ़ते हो, विस्कोसिटी का बच्चों आपके पास यहाँ प्रभाव पूछेगा दो तरीके से. एक बोलता लिक्विड, क्योंकि मैंने फ्लूड लिखवा बच्चों, एक बोलेगा गैस है, एक लिक्विड और एक गैस. आपको बोला जब टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज यहाँ क्या होगा, और यहाँ बच्चों एज टेम्परेचर इंक्रीजेज क्या होगा. टेम्परेचर सबके साथ बताया मैंने, सर्फेस टेंशन के साथ भी बताया था, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ भी बता रहा हूँ. बच्चों विस्कोसिटी का मतलब क्या था सर, जब लिक्विड और गैस अलग अलग पड़ रहा हूँ. बच्चों लिक्विड का मॉलिक्यूल आपका पास पास होता है और लेयर्स में चलता है आराम से. लिक्विड का यही मोशन होता है, कभी देखना तो आप देख लो पाइप से जाता हो पानी, आराम से ऐसे ही जाता है. तो बच्चों जब यहाँ टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना बच्चों, यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कोहेसिव फोर्स कम, तो ईजी टू फ्लो हो जाता है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे ईजी टू फ्लो हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं सर, पास पास होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएं थोड़े दूर दूर और इजी टू फ्लो हो जाता है. लेकिन जब गैस में है बच्चों, गैस की अलग अलग कहानी है. ये इजी टू फ्लो वाली बात भी बच्चों में आपको गैस के लिए अलग कहानी बनेगी. कैसी बच्चों? यदि गैस की अपने कंटेनर है बेटा, कंटेनर के अंदर लॉजिक समझना बात का,
बच्चे यहाँ जितने आप बच्चे बैठे हो, 25-20 बच्चे बैठे हो, यहाँ गजेंद्र पीछे थप्पड़ मारना शुरू कर दे, सबको सबको पीटना शुरू कर दे, गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन है ना, और गेट में अच्छे बात सुनना, यदि बच्चे दो ही मॉलिक्यूल यहाँ होते तो उसको पीटता यहाँ वाला भाग के बाहर निकल जाता, मतलब इजी टू फ्लो, मतलब विस्कोसिटी कम है, जब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी घटती है, गैस के लिए भी, क्यों वाला सर, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप पीटने लगोगे उसको निकलने का मौका फटाफट निकलेगा, लेकिन बच्चे यदि 100 बच्चे बर्क के होते हैं, मैं पीटना फिर यहाँ पीटना शुरू करता डंडे से भयंकर, तुम्हें जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश में तुम सारे फंस जाते, सबको ज्यादा पीटता, बस समझते क्या बच्चों, फिर कोलिजन ज्यादा होने लग जाता क्योंकि भीड़ पहले ही ज्यादा था, इसका लॉजिक क्या बनता है सर, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन आपका ज्यादा होगा, और नैरो पैसेज जब बाहर नहीं जा पाते, इसका मतलब क्या, आपकी विस्कोसिटी बढ़ जाती, सही है क्या बच्चा, जब भी गैस में जब आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया, कम मॉलिक्यूल है कि ज्यादा, तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोलिजन बढ़ेंगे, फिर आपका, मैं ऐसे बोलता सर यहाँ विस्कोसिटी बढ़ती है, अलग से कोई बोल दिया इफ वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर देयर, सर वेरी लेस नंबर कब होते थे यार, आपको वेरी लेस नंबर कब होते थे, जब रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करती थी, तो मैं बोलता लो प्रेशर, तो यदि कोई आपको बोलता प्रेशर इज वेरी लो और फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा बच्चों, यदि बेटा वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दो कहानी समझा रहा हूँ बच्चों, यदि यहाँ बोलता हूँ बच्चों मैं लो प्रेशर बोलने का मतलब आपको जो समझाया मैंने, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बता चुका हूँ बच्चों मैं आपको, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पूरी वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इजी टू फ्लो हो गया, इजी टू फ्लो तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज, सही है क्या, यदि बच्चों हाई प्रेशर यदि है और आपने बोला टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी बच्चों, विस्कोसिटी की वैल्यू इंक्रीज, बात पकड़ में आई है, फिर डेंजरस बच्चा मुझसे खतरनाक सवाल पूछता है, सर लिखा ना हो तो, अलग से नहीं लिखा तो फिर आपको गैस को सिंपल हाई प्रेशर जैसा मानना, क्योंकि बेटा 180 इटसेल्फ इज अ गुड प्रेशर, 180 भी हाई प्रेशर है, उसको यदि ये पूछना हो तो आपको बताएगा लो प्रेशर है, फिर आप बोलेंगे सर लो प्रेशर इजी टू फ्लो, भाग्य हम निकल जाते आराम से, कोई दिक्कत, सही है क्या, नीचे लिख लेना बच्चों पीटने वाली कहानी है ना, जिसको आपको पीटा था वो, बच्चों पीटने वाली कहानी, ऐसे बनाओ सा बस कहानी, समझे बेटा आप, इसका लिक्विडी के लिए कोई दिक्कत नहीं, इजी टू फ्लो है, टेम्परेचर बढ़ा, कोहेसिव फोर्स कम, आराम से इजी टू फ्लो हो तो विस्कोसिटी कम, गैस की दो संभावना, कुछ नहीं बोलेगा तो हाई प्रेशर जैसा आंसर देना, अलग से स्पेसिफाई कर दिया फिर आपको बताना पड़ेगा विस्कोसिटी विल डिक्रीज, बस दो यहाँ पढ़ाऊंगा, होता पॉइसली लॉ भी है पाइप फ्लो के लिए, वो नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, चाहो तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई पी डिवाइड बाई आर पावर, वो जरूरत नहीं, पाई इंटू पी आर पावर 4 डिवाइड बाई 8 पाई, जरूरत नहीं पड़ेगी उस बात की है ना, वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, तो जरूरत नहीं अपनी उसको, बच्चों विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मा इंपॉर्टेंट होता, जैसे कंडक्टिविटी का होता था उसी टाइप का कुछ ये बनता जैसे वहाँ होता था, उसको आप ध्यान से देखना, लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप लिखा, ऐसा दिया तो न्यूटन ने था, फिर नाम मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण है नहीं, अब तो आप लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिख लो बच्चों, पीएमटी में यह बात पूछी जा चुकी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल दो, जो चीज़ में आएगी ना, ग्रेडियंट मतलब डिवाइड बाई पोजिशन, आप याद होगा ग्रेडियंट मतलब बच्चों डिवाइड बाई पोजिशन, आपको याद होगा, लगाओ आप लॉ ऑफ आपका विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स कैसे निकलती, बना लिया बच्चा आपने विस्कस फोर्स कैसे बने, देखो आप अच्छे से, आप बच्चों अपने पास एक ये नीचे क्या है, ये कोई भी कंटेनर की वॉल बोल सकते हो बच्चों, पाइप की नीचे वाला पोर्शन बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लोइंग है, जिसके ऊपर बच्चों ऐसे 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 फ्लूइड फ्लोइंग है, ऐसा उसने क्या बोला, एक पतली सी लेयर फ्लूइड की ऊपर एक आपने बॉक्स रख दिया, बॉक्स का मास एम, सर ऐसी चीज कभी होती क्या, होती है, एक आपका पूरा मेज इसके ऊपर ऑयल आप बिखरा दो, ऑयल के ऊपर कुछ चीज रख दो, वो वाली कहानी है, सही है क्या, ये बोलता सर कितनी फोर्स लगेगी, बेटा ये वर्ड आएगा जो विस्कस फोर्स होगी, एफ वी लिखता हूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सर कौन सा एरिया समझना पड़ेगा बेटा, कौन सा एरिया, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी वाई, इसको आप जानते हैं बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, इन आपकी वर्टिकल डायरेक्शन, वाई में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, सही है क्या, अरे जब टेम्परेचर ग्रेडियंट आता देखा था, लेकिन यहाँ क्या देख रहा हूँ बच्चों, सर इस वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अलग से बना रहा हूँ, सर ये आपका फ्लूड फ्लूड फ्लूड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी वन, इस पॉइंट के ऊपर वी टू, कहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, वी वन या वी टू, ऐसे बनाया वी वन वी टू, कहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, वी वन पे या वी टू पे, वी टू पे, क्यों सर वी वन पे खुद ही फ्रिक्शन है, वहां तो रुकेगी रुकेगी बच्चे, यदि मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ आपके पास इसमें यहाँ दूरी जो है बेटा वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप बताओ, तो क्या लिखता मैं सर वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई टू, सेंटीमीटर जो भी कन्वर्ट करना कर लेते, सही है क्या, वर्टिकल में क्या, पीएमटी में पूछ चुका, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ,
ये पीएम टीम पूछ चुका है इस टाइप की बात, सिंपल वेलोसिटी दिया हुआ, आपको ग्रेडियंट निकालना है। बच्चों वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसे ही बना रहा हूँ, ये दो पाई, ये पाइप है बच्चों, पाइप में फ्लो हो रहा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट इस टाइप से वेलोसिटी का आपका चेंज होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है बच्चों सेंटर पे, मेन पोजीशन पे, ऊपर नीचे मिनिमम होती है, और बिल्कुल पाइप के पास में रेस्ट में उसके बाद लगातार बढ़ती जाए, ऐसे ही बताया। अब यहाँ देखो एरिया कौन सा, एरिया कौन सा, वो एरिया जो कॉन्टेक्ट में है, वो एरिया कौन सर, ये आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया सरफेस एरिया नहीं बताऊंगा, ऐसी चीज है बच्चों, जैसे बुक है, देखा बेटा जैसे बुक है, बुक का ये एरिया अलग है बेटा, ये अलग है, हाई टेम्परेचर लो बताओ, ये करो, वो नहीं बता रहा मैं सीधा। जो ये मान लो बेटा 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर मोटाई दो, 10 लंबाई, 5 और 2, सर कौन सा एरिया, नीचे फ्लूइड मैंने एरिया ऐसे रख दिया ना बच्चों, ऐसे रख दिया, तो जो ये फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आया होगा वो वाला 10 × 5, सही है क्या, फर्क भी उसी का पड़ना चाहिए सर, इसका क्या फर्क पड़ेगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बच्चों एरिया कॉन्टेक्ट एरिया लेना बेटा, dv/dy आ जाएगा, और विस्कस फोर्स वी कैन राइट प्रोपोर्शनली घटा दिया, ईटा विस्कोसिटी होता बेटा, ईटा ए dv/dy, सही है क्या, फॉर्मूला बन गया बच्चों। आप ईटा का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट बता सकते हो सर, ईटा का ये क्या बन जाएगा, dv/dx, dv/dx इसका यूनिट बताओ, dv/ आपका dv/dy यूनिट बताओ, dv माने है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये क्या बेटा मीटर कैंसिल पर सेकेंड बन गया, सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आपका क्या बन जाएगा पर सेकेंड, नीचे डिवाइड में क्या रहेगा सेकेंड, ये क्या बेटा मीटर स्क्वायर, ये क्या है न्यूटन, एफ वी माने एफ और वी अलग नहीं, एफ वी ऐसा, न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इनटू में सेकेंड ऊपर चला गया, सही बनाएगा ईटा का आप देख लेना बच्चों, सर ये आपका बन जाएगा न्यूटन डिवाइड बाई क्या है आपका मीटर स्क्वायर और ये सेकेंड, मेरे ख्याल से डाइमेंशनल फार्मूला कोई दिक्कत नहीं है, सही बच्चों। फिर भी इसका जो ऑफिशियल यूनिट बोलते हैं पाइसली बोलते हैं, पीआई लिखा जाता है, और दैट इज 10 times ऑफ इसका पॉइस बच्चों, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है बेटा, ये एसआई पॉइसली जो आएगी बच्चों वो आपकी आएगी एसआई यूनिट, और वो होती है 10 times ऑफ इट्स सीजीएस यूनिट, जैसे बच्चों न्यूटन का और डाइन का रिलेशन याद रखो 10^5 में, तो ऐसे ही 14 को पुट करके देख लेना वही बन जाएगा, न्यूटन में 10^5 ये सेंटीमीटर में आएगा, 10 बच गया वही आपका आंसर भी है, वो रिलेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इसको डायन में इसको सेंटीमीटर में आप लिखो 10 बचेगा, वही मैं लिखा 10 times होता है सीजीएस यूनिट के, सही है क्या, बना शाबाश, ये ऐसे ही बता बेटा, हाँ बीच में मैक्सेशन आप जानना चाहिए, वैसे ही मतलब प्रैक्टिकल चीज है, हाँ सर पाइप में बीच में ज्यादा स्पीड होती है सर, डीवी किसका डिफरेंस है यदि ऐसा बोल देता बच्चों में, ये ब्लॉक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो इसके साथ वाले ले रहे तो 10 से, लेकिन ये तो 0 है बेटा, ये मैं तो बोलता हूँ डीवी की वैल्यू 0 हो गई, अरे खतरनाक बात बता रहा हूँ, बच्चों के माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि मैं बोल देता ना ऊपर ब्लॉक इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वैसा लगने लग जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको अब ये फ्रिक्शन ही मानना, अरे क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्रिक्शन के साथ चलता नहीं चलता रहा, बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगी हो पीछे फ्रिक्शन नेट फोर्स 0 चलेगा, तो यहां तो 10 मीटर पर सेकंड लग रही है तो 0 है ना डिफरेंस, डीवी की वैल्यू तब भी ये मतलब बोला डीवी 0 हो गया, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं बोला बट वर्टिकल डायरेक्शन में, वो भी फ्लूइड लेयर के बीच में है ना, बना दिया अलग से देख लेना यार, गुड बना बच्चों आपने, अरे आपके अच्छे कंसेप्ट बन रहे सही से, सीधी एक एक लाइन आप अलग से याद कर रही है, ऐसे होता है भाई सीधी सीधी कहानी है, गुड। छोटा सवाल मैं आपको लिखवाता हूँ, मोर प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और सिंपल वाले तब बनाए लो, इसके सिंपल वाले कौन से होते हैं सर, सिंपल जो आपने सीखा हुआ बच्चों, चलो बनाया बच्चों आपने, ये सिंपल वाले क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बच्चों जो हमने NLM में किए हुए हैं, सर यहाँ एक पुली लगी हुई है सर, ये 5 किलो का है सर, ये आपका लेयर दिया, यहाँ एक 2 किलो का है सर, यहाँ आपको dv/dy भी दे दिया, कुछ भी वैल्यू दे दिया, मान लो बच्चों 10 दे दिया, ये बच्चों जनरली सेंटीमीटर मतलब कम वैल्यू होती है, फिर भी चलो मैं ऐसे ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ, ये दे दिया आपको पॉइसली 10 पॉइसली दे दिया वैल्यू 10 पर मीटर पर सेकेंड आपका आ जाए बच्चों, ये तो मीटर से मीटर कैंसिल होके, एरिया भी दे दिया बच्चों, एरिया दे दिया इसका नीचे वाला एरिया जो है आपका वो मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, एरिया दे दिया, ईटा दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपसे पूछ रहे एक्सेलरेशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा विस्कस फोर्स फ्रिक्शन की जगह आ जाती, सर ये 50 - viscous force / 7 आंसर आ जाएगा, टेंशन भी निकाल देंगे किया हुआ है, ईजी है नहीं। अब यहाँ आ जाओ आप, ये सवाल पे आप आओ, आसान है बच्चों, मैंने क्या कहा, एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में एंगल आपका 37 डिग्री है, यहाँ बच्चों एक क्यूब रखा हुआ, क्यूब अलग से बोल रहा हूँ, क्यूब है जिसकी साइड बच्चों आपकी ए है, स्मॉल ए, सही ऐसा आपको दिया हुआ है बच्चों, आपको मास इसका जो दिया बेटा दैट इज
डेंसिटी इज अ रो, मास नहीं बोला, डेंसिटी ऑफ क्यूब इज अ रो एंड साइड इज ए। और बच्चों यहाँ ये कैसे रखा हुआ सर, एक पतली सी लेयर है लिक्विड की, वहां आपको डी वी बाई डी वाई आपको निकालना, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना, सच दैट द ब्लॉक इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अंडरलाइन क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया, सिंगल स्टार बनाओ बेटा। ये ऐसे ये आप कर लेना, ऐसे एक दूसरे मिले आसान चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एनएलएम में बहुत कराया आपको, ये वाला देखो आप। हाँ, ए क्यूब ऑफ डेंसिटी रो एंड साइड ए, स्मॉल ए लिखना बेटा, ए क्यूब ऑफ डेंसिटी रो एंड साइड ए इज अ प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन सच दैट, इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन सच दैट क्यूब इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑन ए ऑयल लेयर, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कंट्रोल करो, ऑन ए ऑयल लेयर बिटवीन प्लेन एंड क्यूब, बिटवीन प्लेन एंड क्यूब फाइंड आउट वेलोसिटी ग्रेडियंट, फाइंड आउट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर्स ऑफ ऑयल। बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं, उनका माइंड पता नहीं कहाँ से चलता रहता है। मुझे पता क्या बोलते हैं, सर सवाल का उत्तर तो आपने खुद ही बता दिया, आपने बोल दिया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अंडरलाइन भी करवा दिया, और आप बोल रहे सर डी वी बाई डी वाई बता दो। लो सर डी वी का जीरो, डी वाई बाई डी वी ये भी जीरो हो गया, लो सही है क्या? वैसे बोलता सर आपने खुद ही तो बोल दिया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो डी वी बाई आपने अल्टा मरवाया था, ग्रेडियंट माने चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन पोजिशन, सर चेंज इन वेलोसिटी खुद ही जीरो आप बोल रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो? ऐसा नहीं है, वो आपको समझा दिया मैंने कि बच्चों चेंज इन वेलोसिटी किसकी बात करनी है, ऑयल की लेयर की। एक लेयर आपकी बच्चों यहां है ये वाली और एक ये, तो ये यदि वी से चलता है, ये तो मानता हूं मैं लेयर वी से जाएगा, लेकिन ये वाली लेयर तो जीरो पर बेटा, यहां वर्टिकल डायरेक्शन में आपको ग्रेडियंट लिया हूं लिखा भी है, ठीक बात है सर, ज्यादा कहानी मैं नहीं जानता। यदि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स वुड बी जीरो, सही है क्या बच्चा? सर नेट फोर्स कौन सी आप जानते हो बच्चे? एक तो आप जानते हो बहुत पहले से एम जी साइन थीटा, सही है बेटा। एक अभी आपने जान ली फ्रिक्शन, लिखा बेटा सेम एज दैट ऑफ फ्रिक्शन, ले यहां लग जाएगा ये क्या आपका फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, सही है क्या सर? एम जी साइन थीटा जो है बच्चों किसके बराबर होना चाहिए? विस्कस फोर्स के एफ वी, सही लिखा मेरे ख्याल से, देखो आप। और इसलिए अलग से मेंशन कर दिया फ्रिक्शन के सेम एज दैट ऑफ फ्रिक्शन। सर मास तो नहीं दिया कोई बात, बेटा डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सही किया गया वो जी साइन 37। सर विस्कस फोर्स क्या लिखोगे? ईटा। सर एरिया कौन सा लें, एरिया कौन सा लें? क्यूब रखा बच्चों, ऐसे क्यूब रखा तो ये वाला और ये वाला, ये भी ए, ये भी ए, ऊपर भी है तो ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। और ये क्या आएगा बेटा? डी वी बाई डी वाई। सर ये जीरो नहीं करो क्या? नहीं करूंगा। कैसा बच्चा? ये लिख भी देता बच्चों कैसा, तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा याद किया सर, ये आप वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी ग्रेडियंट ले रहे हो जो कभी भी जीरो नहीं होता। अब सॉल्व हो जाएगा बच्चों, सर ये क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दो आप, रो इंटू ए इंटू जी और साइन 37 छोटे में छोटा 3/5 ईटा डी वी वी, सही है क्या बच्चों? मेरी ख्याल से आंसर आ जाएगा बेटा डी वी बाई डी वाई का 3/5 रो ए जी डिवाइड बाई ईटा। अरे सही समझ में आ गया, गुड बनाओ सर बस। अच्छा सवाल है बच्चों, आपका एक कंसेप्ट ये हुआ कि डी वी की वैल्यू जीरो नहीं है, क्यों? वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसमें बच्चों कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जितने हमने एनएलएम में पढ़े हैं सारी पॉसिबिलिटी बनती है, बस आप दिमाग में बिठा लो सेम एज दैट ऑफ फ्रिक्शन। ओ बस म्यूनिटी एन होता था बच्चों, यहाँ क्या ईटा ए डी वी बाई डी वाई, सवाल में डी वी बाई डी वाई जनरली आपको मिलता है, वो वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज है। बना बच्चों आपने, एक टाइप का नियम ये हो सकता है बच्चों, लेयर वाली जो बात किया वहाँ पे यदि विस्कोसिटी बनती है तो इस टाइप की बनती है। एक बच्चों फ्लूइड फ्रिक्शन का स्पेसिफाई एक लॉ है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, वो आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू करता है। अलग टाइप से सवाल भी बन सकता है, छोटा मैं पहले लिखवा देता हूँ, लिखो बच्चों स्टोक्स लॉ। मत सो तो रहे हो आराम से, स्टोक्स लॉ में लिखो एक लाइन, When a spherical object is moving in a viscous fluid, a viscous force will be
ए विस्कस फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. बच्चों वो रिलेटिव वाली कहानी यहां भी है, लेकिन यहां रिलेटिव वाली मेंशन करने की जरूरत नहीं है. अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन अंडरलाइन करो, विच इज गिवन एज. बच्चों यदि मैं बोलता हूं बेटा ये आपका जो ऑब्जेक्ट है जो व्हाइट वाला मैंने बनाया, यदि मान लो बच्चों नीचे मूविंग होता, मान लो बेटा नीचे डायरेक्शन में मूविंग होता, तो यहां पहली बात तो आपको ये अंदाजा लगना चाहिए सर जो आपकी विस्कस फोर्स आएगी वो एफ वी ऊपर आएगी, और विच इज गिवन है कितना, 6 pi eta rv. सर वी अलग अलग टर्म लिख रहा बच्चों. आर क्या बेटा, आर जो है आपकी ये रेडियस ऑफ स्फीयर है. बच्चों ओनली स्फेरिकल के लिए ऑब्जेक्ट होता है ये, स्फेरिकल के लिए वैलिड है. तो आपका बन जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया. इटा आप जानते हैं विस्कोसिटी. वी क्या है सर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है. इसके लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, इटा विस्कोसिटी चाहिए, रेडियस चाहिए जिस ऑब्जेक्ट की निकालना, और वी आप जान जाओगे वेलोसिटी दिया होगा इतनी वेलोसिटी से मूविंग है. सर यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी मैंने मोलने की जरूरत नहीं समझी. और बच्चों फ्लूड की मैं बात करता हूँ, कई बार कैसे सवाल पूछता बता आपको कि ऊपर से बारिश की बूंद आती है, ऊपर से एक बारिश की बूंद आती है उसकी रेडियस 1 cm है, और आपको विस्कोसिटी भी दे दिया, उसका ये बताओ मतलब कितना आपके पास ये फोर्स लगेगी. तो आप क्या देखते सर, फिर वहाँ ठीक है मुझे आर दे रखा वी दे रखा, क्या ये सर सॉलिड तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिक्विड होगी मुझे क्या दिक्कत है, क्या विस्कस फोर्स लगे, हाँ लगेगी सर, एयर है ना, एयर के कारण फ्लूड है, एयर उसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगी. छोटा एक छोटा टॉपिक और पढ़ाते हैं फिर सवाल बनेगा. आज का दूसरा डबल स्टार टॉपिक है बच्चों पीएमटी का, टर्मिनल वेलोसिटी. बना बच्चा आपने, वेरी गुड. दूसरा डबल स्टार टॉपिक आज का, कैपिलरी पहला था एक ये आज आया है. अब लिखो बच्चों इसमें टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के साइड में लिख दो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल के साइड में लिख दो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो करनी बात करता हूँ, समझे क्या, नाम अलग है चीज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ही है ये. टर्मिनल वेलोसिटी के ब्रैकेट में लिख दिया बच्चा आपने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है क्या. देखिए एक बार इसका मैं आपको लिखवा के लाइन समझाता हूँ होता कैसा, कंटेनर में एक स्फेरिकल वाले में समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों इसमें साथ में मैं स्टोक्स लॉ ही यूज करूंगा, यूज कुछ और भी हो सकता है, यदि एयर फ्रिक्शन तो वो भी यूज कर सकता हूँ, लॉजिक आपको दिमाग में बैठना चाहिए. टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, आप नेट फोर्स जीरो करते अपने आप उत्तर आ जाएगा, सही है क्या. फिलहाल लेकिन जो प्रूफ आता जो फॉर्मूला बनता है स्फेरिकल के लिए बनता है, इसलिए मैं उसी फॉर्म में बनवा रहा हूँ. देखो बेटा इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए विस्कस फ्लूइड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए विस्कस फ्लूइड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट, एक बार यहां देखो इसको मतलब से समझा रहा हूं आपको मैं, क्या है दो चीजें आ गई हैं. अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको मैंने ऑब्जेक्ट को बोल दिया बेटा इसकी डेंसिटी रो, जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया, कोई और भी लेगा तो आपको फोकस बस इस बात पर रखना सर नेट वेलोसिटी जीरो कर, आपको नेट फोर्स जीरो करने उत्तर आ जाएगा. बच्चों कैसे कैसा हुआ होगा, एग्जाम्पल मान लो बच्चों जो ऑब्जेक्ट मैंने, आराम से दो मिनट सुनना, मैं उसको कैसे लिखवा रहा हूँ फटाक से, लिखने बस किताब लिख दूंगा, लेकिन आपको माइंड में बैठना चाहिए सर ये टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, ये कैसा मोशन होता है ऑब्जेक्ट का. एक कोई मैंने गोला लिया बेटा 2 kg का, mg वेट लगता नीचे 20 N, करेक्ट बात सर. जैसे ये गोला, जैसे अब ये पानी मेरा हाथ ना बच्चों, पानी है, पानी का लेवल स्टार्टिंग नीचे तक पानी भरा हुआ है, ये बच्चों ऐसा गोला था यहाँ 20 N कुछ वेलोसिटी, यदि यहीं से छोटी बिल्कुल सरफेस से छोटा तो वी की वैल्यू क्या होती, जीरो, स्टार्टिंग कहाँ से करता, जीरो. हो सकता है ऊपर से छोटा हो तो यहाँ क्या आएगा, वी अंडर रूट 2 hg, याद है क्या, वो भी यहाँ कुछ वेलोसिटी थी नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से ड्रॉप किया, जीरो वेलोसिटी थी सर. जैसे डूबने लगा तो नीचे फोर्स क्या 20 N, हल्का सा पोर्शन नीचे गया सर, जितना पोर्शन में पानी हटा दिया उतनी बायंसी ऊपर लगने लग गई, सही है क्या सर. पहले बायंसी 1 N, थोड़ा और डूबा 2 N, 3 N, 4 N, पूरा डूब गया सर 5 N, पूरा डूब गया 5 N, क्या फिर बायंसी चेंज होगी, नहीं सर. ये 20 N नीचे सर, बायंसी 5 N ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में 15 N है. नेट फोर्स माने एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन माने वेलोसिटी बढ़ेगी, सही बोला बच्चों मैंने. फिर आपने ऐसा कुछ बोला था सर यदि विस्कस फ्लूइड है तो ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लगती है, ऊपर लगती है क्या ना, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन कैसा बेटा नीचे, इसलिए ऊपर बोल रहा हूँ बच्चों. यहाँ आ गया पानी में डूब चुका, बायंसी 5 है और वो आपका 20 है वेट सर, कुछ वी की वैल्यू हो गई, हाँ होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है 6 pi eta rv. क्या 6 pi चेंज होगा, क्या ईटा चेंज होगा, क्या आर चेंज होगा, नहीं, लेकिन क्या वी चेंज होगा, हाँ सर. जैसे जैसे वी बढ़ेगा तो एफ वी बढ़ जाएगा, सही है क्या
सर ये 20 न्यूटन नीचे, बॉयंसी 5 ऊपर, कुछ वी की वैल्यू है, मान लो बच्चों आपके पास विस्कस फोर्स आ गई 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी बच गई 13, अब भी नीचे वेलोसिटी अब भी बढ़ेगी, थोड़ा और भी और फिर भी तरुण है तो फिर भी बच्चों आपकी वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, सर वेलोसिटी बढ़ती रही, बॉयंसी अब भी 5, वेट अब भी 20, लेकिन विस्कस फोर्स हो गई आपकी 10 न्यूटन, सर अब भी कितनी फोर्स बच गई 5 न्यूटन, फिर भी वेलोसिटी बढ़ेगी, सर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर विस्कस फोर्स बढ़ेगी, सर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ये 20 न्यूटन वेट के कारण, बॉयंसी के कारण क्या बच्चों आपका 5 न्यूटन और 15 न्यूटन किसका आ जाएगा बच्चों विस्कस का, क्या फिर वेलोसिटी बढ़ेगी ना, नेट फोर्स क्या हो गई 0, उसी वेलोसिटी क्या रुक जाएगा सर वो ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नीचे चलता रहेगा, बात सही है क्या, यदि मैं ग्राफ बनाता बच्चों, यदि मैं ग्राफ बनाता मैं ड्रॉप वाला बना रहा हूं, ड्रॉप किया आपने, जस्ट ड्रॉप किया, कैसे बनता है यहां स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती, सर ऐसे बढ़ती क्या ना, वो मैं नहीं जानता भाई कैसे बढ़ती क्या, नहीं वो मैं नहीं जानता, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता ना, मैं सीधा इसलिए वेरिएबल फॉर्म में थोड़ा चेंज किया, ये बात बाकी सर कुछ समय के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती कॉन्स्टेंट, इसी क्या बोला बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी, सही है क्या, सही बना बच्चों मैंने, सही है, ड्रॉप किया, यदि सर आपने ऊपर से कहीं छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ यहां तक बना देता आगे ये बन जाता, अब आगे वैल्यू में देखो, वैल्यू में देखो सर जो चीजें आप जानते हो लिख लो, सर एक फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी दैट इज बॉयंसी, एक नीचे लगेगा दैट इज वेट, मैं इसकी डेंसिटी रो मान लेता इसका ऐसा बेटा सॉलिड की सिग्मा और उसकी रो, बच्चों एक फोर्स और लगेगी बेटा ऊपर की डायरेक्शन, क्यों सर नीचे की डायरेक्शन में मोशन है तो ऊपर एक फोर्स और लगेगी दैट इज विस्कस फोर्स, सही है क्या बच्चों, यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सर टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, सर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है नेट फोर्स क्या होगी 0, सर यहाँ दो ऊपर लगी हुई है दैट इज बॉयंसी फोर्स और विस्कस फोर्स, एक नीचे लगा हुआ वेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, हमेशा बस यही देखना है नेट फोर्स 0 कर दो सर, क्या हमेशा यही 0 करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यही है बच्चों, कई बार एनएलएम वाले में बोल देता कि एयर फ्रिक्शन आपकी वी वेलोसिटी चलता डीएम बाई डीटी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है सर फ्रिक्शनल फोर्स कुछ और दे दिया तो ये ना बोल के बोल देता फ्रिक्शन फोर्स 0.6 वी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ एनएलएम में मिलेगा, तो ऐसा तो मैं क्या करता कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी जगह ये पुट कर देता, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता पॉजिटिव मोशन लगती है विस्कस फोर्स और जोड़ जो आएगा नेट फोर्स का वो हमेशा 0 होगा, देखो बच्चों आप कैसे, सर बॉयंसी क्या थी, सर बॉयंसी होती थी लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड का आपकी वॉल्यूम, लिक्विड क्या है आपकी कितना डिस्प्लेस है स्फीयर के बराबर 4/3 पाई आर रेडियस है तो आर क्यूब, सही लिया बच्चों मैंने इनटू जी, सर विस्कस क्या था 6 पाई ईटा आर और वी, बच्चों वी टी लिख देता हूँ मैं, सही है क्या, और सॉलिड क्या बन जाएगा बेटा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, मेरे ख्याल से सही लिखा है, जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है उनको हटा दो काट दो, सर ये एक आर ये आपका 2 बच गया और ये भी आपका 2 बच गया, सही है क्या जी, है नहीं है, अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी बनानी है कोई दिक्कत नहीं बना देंगे, सर 6 पाई और ईटा इंटू वी टी यहीं रख लो, उस साइड जो जो कॉमन है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू जी कॉमन है, सही है बच्चों, अब जो कैंसिल होगा फिर कैंसिल करो, सर पाई से पाई कैंसिल हुआ, सर ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, अब आंसर आने लग गया वी टी इज 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा ईटा, बच्चों सिग्मा और रो का रट्टा मत मारना, सिर्फ ये ध्यान देना जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसकी डेंसिटी क्या है सिग्मा और फ्लूड की क्या है रो, यदि मैं बोल देता बेटा बारिश की बूंद गिर रही है तो बारिश की बूंद क्या होता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000, तो वो सिग्मा दिया कि मुझे रो दिया है, वो सिग्मा दिया कि रो दिया है, सिग्मा दिया है उसने, सही है क्या, यदि मैं बोलता ना बेटा वाटर की ड्रॉपलेट नीचे गिरती है एयर में तो एयर माने फ्लूड है उसकी डेंसिटी रो है यहाँ और उसका क्या लिखा मैंने सिग्मा, तो आप ध्यान दे रहा हमेशा वो एयर में जब भी वाटर ड्रॉपलेट को या बारिश को बताएगा आपको कभी भी एयर की डेंसिटी देगा ही नहीं, क्यों, अरे एक पानी का ड्रॉप 1000 डेंसिटी है, एयर की 1.2 होती है, नेगलेक्ट कर दो, तो आपको ऐसा भी हो सकता है ये दिए ही ना, सिंपल आप मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, सही है क्या, बना शाबाश, अरे यहाँ से सिर्फ एक ध्यान देना है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी करनी नेट फोर 0 अपने आप उत्तर आएगा जो आना हो, याद नहीं करना, ये वेरिएशन आपको ऐसे बता दिया कि हाँ वी कॉन्स्टेंट हो जाती बाद में, ऐसे खाली खड़ा पूछ रहा हूँ ये ईटा विस्कोसिटी किसकी थी, अरे मूविंग ऑब्जेक्ट की थी कि फ्लूड की थी, ईटा तो विस्कोसिटी थी वो फ्लूड की थी कि ऑब्जेक्ट की थी, फ्लूड की थी बेटा, फ्लूड में फोर्स आई थी ना, वो दे देगा ईटा आपकी एयर के लिए है, एक सवाल मैं कराता हूँ आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा, कुछ कुछ आपका एहसास हुआ होगा जब मोटी मोटी बूंदे आती है ना, बहुत मोटी मोटी सिर में भी दर्द होने लग जाता लगातार लगे तो, सही है क्या सर, सिर में दर्द क्यों हो जाएगा सर, बूंद तो वही वेलोसिटी है, क्या बातें करते हो,
अरे मोटी बूंद है पतली बूंद है, हमें क्या फर्क पड़ता, दर्द क्यों होता फिर मोटियों में? क्योंकि मैं जानता टकरा के रुकेगी और चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में मास भी होता है, सही है क्या? तो फोर्स का एहसास कैसे होता है? चेंज इन मोमेंटम से, मोमेंटम में मास भी होता है, तो मोटी होगा तो फर्क पड़ेगा ना। क्या टर्मिनल वेलोसिटी मास का फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा सर। एक सवाल मैं लिखवाता हूँ, बना बच्चा आपने फाइंड आउट, बच्चों थोड़ा सा डाउट आपका दूर हो जाएगा, मैं रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिक्विड विक्विड वाला बना लो कोई दिक्कत नहीं, एक रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, उसमें आप कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। देखिए एक बार, ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फॉलिंग इन एयर, फाइंड आउट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, इफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 2×10⁻³। बोलो ऐसा यूनिट ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इसकी क्या बन गया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेकेंड, इसकी बजाय ऐसा भी लिखा जा सकता था, ये केजी की फॉर्म में बन जाता था, केजी में बनाना चाहो तो बना सकते हैं, M1L1 वो पता नहीं याद नहीं, वेल निकालो, सेंटीमीटर दिया हुआ मैंने, ध्यान देना आप उसको मीटर में कन्वर्ट करना ना, आंसर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, ये मैंने ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। अरे किसी चीज की कमी लग रही है, कुछ तो ऐसा चीज है जो मैं भूल गया देना, 1 सेंटीमीटर बोला बेटा मैंने, 1 सेंटीमीटर बोला क्या? yes, बच्चों कोई चीज ऐसी लग रही जो मैं भूल गया हूं देना, बस सारी चीजें मैंने दिया हुआ बेटा, सिग्मा और रो में सर आपने रो क्यों नहीं दिया, मैं समझदार बच्चा मैं जान गया हूं, सिग्मा तो ऑब्जेक्ट है, रो क्यों, रो बेटा नेगलेक्ट किया मैंने, एयर की डेंसिटी कोई वैल्यू नहीं, 1.2 है 1000 के सामने, तो यहां कितना 1000, ये क्या खत्म, जीरो, डिवाइड बाई ईटा कितना 2×10⁻³, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा आपको 10⁻⁴ × 10×1000 डिवाइड बाई 10⁻³, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा बेटा 1000 मीटर पर सेकेंड या 1 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे तेज आती है बारिश, डिवाइड बाई 9 छोड़ दिया, लो फिर डिवाइड बाई 9 है बेटा, 9 किलोमीटर कैसे हुए, फिर 9 तो वहीं रहेगा ना नीचे ही, 9 के ऊपर माइनस थोड़ी है, 1000 डिवाइड बाई 9, सही है क्या? सही है, सही है बेटा। बच्चों होता तो एक पॉइसली का ही फॉर्मूला है, पॉइसली का रेट ऑफ फ्लो पाइप में यदि है तो आप बताओ ऐसा कुछ बनता है, पाई पी आर पावर 4 ऐसा करके, 8L नहीं करना अपने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है,